नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से शाम 5 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा कि हम नीट परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करने के बारे में चिंतित हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सरकार को प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने काउंसलिंग पर फैसला केंद्र सरकार और एनटीए के जिम्मे छोड़ा है। पूरे मामले में अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं इस पर एनटीए और केंद्र सरकार को जवाब देना है। सीबीआई को भी स्टेटस रिपोर्ट बुधवार शाम 5 बजे तक सौंप देनी होगी। गुरुवार यानी कि 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होनी है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से लाइव हैं। सुशील, बहुत बड़ी टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है, 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई है यानी कि इसी गुरुवार को। इससे पहले सरकार को, एनटीए को, सबको अपना जवाब देना है, और क्या टिप्पणी अदालत की ओर से? जी देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये 24 लाख जो छात्र हैं उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले में तह तक हम जाना चाहते हैं कि कैसे ये पेपर लीक हुआ, क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड पर इस पूरे पेपर को लीक किया गया या जब परीक्षा हो रही थी उसके 1 घंटे या 2 घंटे के दरमियान पेपर लीक हुआ। इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एनटीए और केंद्र सरकार से सवाल किया है। सीधे तौर पर एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब परीक्षा के लीक की संभावना या उसकी सूचना आपको मिली तो आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए, किन किन ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आपने कठोर कदम उठाए, और जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो अभी तक उनको लेकर आपकी तरफ से क्या कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार से मांगा है। सीबीआई से भी ये कहा है कि अभी तक सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो जांच की है उस जांच को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट बुधवार शाम 5 बजे तक दाखिल करना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। अदालत की है बहुत सारी क्वेरीज है अदालत की, और जाहिर सी बात है उन सवालों के जवाब जब अदालत को मिल जाएंगे उसके बाद